ना, मतलब 2 घंटे सो पाते हैं, 3 घंटे सो पाते, नींद नहीं आती, अनरेस्ट रहता है। तो उसका वन ऑफ द रीजन फॉर दैट के बेड के अंदर कोई ना कोई चीज गलत रखी हुई है, उसको हमेशा निकाल देना चाहिए। बेड में सिर्फ आपके लिनेंस होने चाहिए, यूजेबल क्लॉथ होने चाहिए। आप भले अपने पहनने के कपड़े रखें, आप विंटर और समर्स के कपड़े रखें, कुछ भी रखें, लेकिन वही चीज रखें जो यूजेबल हो। लेकिन कोई भी क्रॉकरी, मेटल, ये सारी चीजें कभी बेड के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये बेड के अंदर रहेंगी तो ये निश्चित तौर पे आपके सोने स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे। तो आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वो धीरे धीरे क्या होता है, हेल्थ इश्यू पर टर्न अप हो जाता है। कोई भी चीज लंबे समय तक चलेगी तो हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगी। इसलिए बेड के अंदर क्लटर नहीं होना चाहिए। क्लटर पूरे घर में कहीं भी नहीं होना चाहिए। जितना कबाड़ घर में रहेगा, जितना अनसिस्टमाइज चीजें रहेंगी, उतना आपको डिस्टर्ब होगा। दिस इज द पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी बेसिकली। के द पीपल दोज आर बॉर्न ऑन 9th और 18th और 27th ऑफ एनी मंथ, ठीक है, उनके मोबाइल का वॉलपेपर अगर वो रेड रोज लगाते हैं तो उनको बेनिफिट होता है। बाकी के दिन बहुत पैदा हुए, बाकी के और भी दिन बहुत लोग पैदा हुए। हाँ सर, तो 11 को पैदा हो आपके लिए मून मून मून। हाँ, चांद पे जाओ। नहीं नहीं फुल मून की पिक्चर, फुल मून। अच्छा, आप अगर मैं मून लगाऊंगा तो मेरा चांद दिखेगा मेरे को। हाँ, आप अगर फुल मून की पिक्चर लगाते हैं अपने मोबाइल में वॉल एज ए वॉलपेपर तो ये आपको बेनिफिट देगा। नहीं मतलब ये चांद तो नहीं देखते, ये वाला चांद देखते, वो वाला चांद जो ऊपर जो सबके लिए चांद है। आपको पसंद है तो वो चांद करवा के रख लो, कोई बात नहीं। तो इसमें एक शेर बोलता हूँ, तुम चांद जैसी हो, तुम चांद जैसी हो, नूर भी बुलूर भी और दूर भी। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक तो ये कबाड़ बिल्कुल घर में इकट्ठा होते होने लगे। और पता है आपको, आप जो किसी के वास्तु विजिट के लिए जाते हैं, ठीक है, किसी की वास्तु विजिट के लिए जब हम जाते हैं तो उसकी जब कबर खुलवा के देखते हैं, उसकी कबर खुलवा के उस पर्सन के बारे में पूरा बता सकते कि वो पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी होगी, वो क्या सोचता होगा, कैसे रहता होगा, क्या काम करता होगा, उसी सिर्फ कबर्ड खुलवाने से पता लगता है। कैश दिखता है उसमें, कैश देखते कैश नहीं, सिर्फ कपड़ों वाली को। अच्छा, कैश देख के मालूम पड़ेगा ना कितना पैसा कैसा है। देख सर, कपड़ों वाली कबर्ड खुलवा के पता लगता है, कैश एकदम पूरा मालूम पड़ेगा। सर मैं आपको सही बताऊँ, अब दिखाते तो कैश वाली भी है, वो तो दिखाती है भी। कोई पर्सन है बताता तो यही कि हमने प्रेस लाइव लोकेशन भेज दिया था ना। तो क्या होता है कि आप उसकी कबर्ड को देख के आप पता लगा सकते हो कि उसके बारे में, उसकी पर्सनैलिटी को एनालाइज बता सकते हो। देखिए क्या है, उसका जो अपनी अलमारी को रखने का तरीका है वो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पूरा बताए। अगर उसकी अलमारी अपसेट है तो यानी कि वो व्यक्ति अपसेट होगा ही होगा, और उसकी अलमारी वेल ऑर्गेनाइज है तो पर्सन वेल ऑर्गेनाइज है। इसीलिए उसकी कबर्ड आपकी फैमिली नहीं होनी चाहिए। स्पेशली वाइफ लोग बताते हैं कबर्ड तो अपनी जगह है, उसकी हस्बैंड से खुश नहीं रहा, उसका कबर्ड खराब कर दे रहा है। हां वही बात है क्या, और जानबूझ के ऐसा बताते हैं, हस्बैंड से खुश नहीं तो कबर्ड खराब कर दे, जा परेशान होगा। मेरा तो वाइफ बताती है कबर्ड में कपड़े रखना है, जो भी मेरा। सर आप कितना परेशान करते हैं, आपके वाइफ को समझ में आ रहा है। ये तो वो है न्यूमरोलॉजी के टिप्स है कि इन दिन गेट्स के जो बॉर्ड होते हैं उनको ये सब करना है। अब मैं आपको एक और बहुत अच्छा टिप बताता हूँ वास्तु के हिसाब से, जो सर आ गया, फुलमून आ गया, 2/11/2029 फुलमून आ गया, पूरा चांद आ गया था। इनको लेक्चर्स के लिए बुलाते थे सर, फुलमून के साथ